आप ही गार्ड? नहीं सर, मैं होटल में काम करता हूँ। होटल में काम करता हूँ, 12 घंटे ड्यूटी है और 16,000 रुपये तनख्वाह है। पढ़ाई के बावजूद भी मैंने मैट्रिक की हुई है, ठीक है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। अब आगे मुझे होटल में क्या काम करते हैं? यही वेटरी का काम करते हैं। कितनी आपकी तनख्वाह है? जी मेरा पढ़ाई का बहुत शौक था आगे पढ़ने का, लेकिन अब घर की मजबूरियाँ देख अच्छे खासे नंबर है मेरा ख्याल 75% या 70% नंबर मिलते हैं जी, लेकिन फिर भी होटल पे मजबूरी की वजह से आया हूँ इधर काम करने के लिए। घर का निज़ाम नहीं चल रहा था, आगे पढ़ने का भी बहुत शौक था, बस क्या करें गुजारा नहीं होता। कितने दे रहे हैं होटल वाले? ये 16,000 रुपये तनखा, छुट्टी नहीं, 12 घंटे ड्यूटी है। 16,000 रुपये इसको दे रहे हैं, 25 कम अज कम होनी चाहिए, इसकी आधी तनख्वाह आप नहीं दे रहे। फिर रहायश भी अपनी सिर्फ खाना देते हैं। ये नाजरीन पढ़ना चाहता है कि कितना हो गया मैट्रिक किए हुए? मैं 4 हो गए अभी मैट्रिक किए दोस्त, अब नहीं पढ़ रहे आगे? नहीं पढ़ रहे। वो बता रहा है कि 871 नंबर आए हैं 1100 में से जी, 871 नंबर। वो कह रहा है पढ़ना भी चाहता हूँ, क्या करूँ कि अब हालात उस तरह से नहीं है। यहाँ पे कमरा लिया होगा, कमरे कितने पैसे देते हो? 2,000 रुपये किराया, 2,000 वो गया, 14,000 बाकी रह गया जी। 14,000 का क्या फिर उसमें खर्चा भी हो जाता है, मोबाइल ये वो खर्चा। घर कितने भेजते हैं? 10,000 भेजते हैं। आप सिर्फ यही काम क्यों कर रहे? कोई और जॉब नहीं मिली? बस सर मजबूरी है, कोई और जॉब नहीं मिली ऐसी, क्या करें। अब नाज़रीन हम करने आए थे प्रोग्राम्स गार्ड्स के साथ कि हम दिखाएं कि ये वो लोग हैं जो हमारे आपके और बड़े बड़े लोगों के, मतलब ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मेरी भी हिफाजत कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि कोई अल्लाह ना करे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाए तो सबसे पहले ये आगे होते हैं कि देखने के लिए कि यार यहाँ पे कोई इस तरह का मसला ना हो जाए। फिर ये बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात का अरबों रुपये की हिफाजत कर, 19,000 रुपया तनख्वाह, 20,000 रुपया तनख्वाह, 25,000 रुपया तनख्वाह। फिर यहाँ पे हमें देख के हम प्रोग्राम कर रहे थे तो एक साहब आए हैं, वो बता रहे हैं कि मैं होटल में काम करता हूँ, वो उसको पढ़ने का शौक था, 871 नंबर मैट्रिक में आया, कह रहा है कि अब मैं नहीं पढ़ पा रहा, पैसे नहीं है, और जहाँ पे सारा दिन काम कर रहा हूँ, इतवार की छुट्टी नहीं है, 12 घंटे जॉब कर रहा हूँ, 16,000 रुपया दे रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि 2,000 रुपया मैं कमरे का रेंट दे रहा हूँ। भैया आपके क्या मामला था, आप क्या काम करते हैं? ड्यूटी करता हूँ पाक कतर फैमिली इत्तेकाफ, हमारी भी सैलरी का यही निज़ाम है। कितने पैसे, कितनी सैलरी है? सर मेरी 25,000 सैलरी है, 2,000 मुझे फ्यूज का मिलता है। सर ये देखें आप को फिर 25 तो दे रहे हैं ना, मतलब आपको 32 देनी चाहिए, इसको 16 दे रहे हैं, तो इसको 20 दे रहे हैं। बिल्कुल सर, तो यही है सर, हम तो घर का निज़ाम ही नहीं चला सकते। माशाल्लाह दो मेरी बेटियां हैं, एक बेटा है, जब महीने की 15-18-20 आती है ना तारीख, तो हम यकीन करो घर में चटनी कूटते। मैं अपने रात को, अभी कल परसों की बात है, मैंने अपने बच्चों को भी रात को चटनी के साथ रोटी खवाई है, खुद भी खाई है और बीवी को भी खवाई है, और इसमें फिर फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनकी अक्सर घर में बरखिलाफियाँ चल जाती हैं। जब इंसान रोटी नहीं पूरी कर सकता तो अक्सर घर में सुकून होता है, मियाँ बीवी का नहीं सुकून होता, और किसी आप किसी बात को भी सोचते देखें भी, जब रोटी घर में आप बच्चों को पूरी नहीं करते दे सकते, और बीवी का भी झगड़ा मियाँ के साथ, मियाँ का बीवी के साथ झगड़ा, इंसान क्या करे। बच्चे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, अब मालिक को किराया देता हूँ, मैं 15,000 रुपया किराया दे रहा हूँ, 10,000 रुपया किराया देता हूँ आपकी तनख्वाह जी सर, 15,000। और रात को मैं इधर 1 बजे तक, ये तो अल्लाह भला करे जिनका प्लाजा है, इधर पार्किंग करता हूँ, और इधर जो बनता है मेरा 300-400 अल्लाह ताला करते हैं, मैं भी करता हूँ पार्किंग करता हूँ, 300-400 रुपया बन जाता हूँ बच्चों के लिए। मैं सुबह दूध वगैरह ये चीज़ें लेते देते आता हूँ, लेकिन मन से मन जो है मैं 18-20 को ना, यकीन करो मैं चटनी के साथ हम मैं अपनी फैमिली को रोटी खवाता हूँ। मेरे दो बेटियाँ, एक बेटा है। क्या उम्र है बच्चों? बच्चों एक बच्चा है 5 साल का, एक बेटी हैगी है 2 साल की, उसको मैं स्कूल नहीं पढ़ा सकता, क्यों मैं उसका एडमिशन के पैसे नहीं दे सकता, ठीक है। इकरा स्कूल में बच्ची को आप चटनी के साथ रोटी दे रहे हो? जी सर, मैं क्या करूँ फिर? आप उसको दूध नहीं दे रहे? नहीं दे सकता सर, मैं दूध कहाँ से दूँ पूरा करते, मैं उसको चटनी के साथ इसलिए दूध चुप करते, वो कुछ है मांगते हैं, फ्रूट नहीं हम लिया खवा सकते सर, आप दूध की बात करते हैं। आप 2 साल के बच्चे को दूध नहीं दे रहे? हम रेंट पर रह रहे हैं सर, 10,000 रुपया तो रेंट कमरे का देते हैं, और 3,000-3,500 रुपया मालिक हमें बिजली के बिल का ले रहा है। इधर शाह जमाल में, आप शाह जमाल में जाते देखें सही, लोग कैसे अल्लाह की कसम से कमरों में किराए में रह रहे हैं, आप सोचते हैरान हो जाएंगे भी इधर शाह जमाल एरिए में कैसे लोग रह रहे हैं किराए पर, लोगों के पास रोटी नहीं होती खाने के लिए,
जो किराए पर रह रहे हैं। नाज़रीन मैं क्या करूँ, करूँ क्या, फिरौन होता ना, आज मैंने पहले ये जुमला कहा कि फिरौन होता ना तो वो शर्मा जाता, उसको शर्म आ जाती कि यार ये कौन सा जुल्म कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मेरी 2 साल की बेटी है, एडमिशन नहीं करवा सकते सर, बच्चे नहीं क्या, उसको दूध नहीं उसका पूरा कर पा रहे। बता रहे हैं कि 15 तारीख के बाद हमारे घर चटनी के साथ रोटी चलती है। एक बेटा मेरा इकरा स्कूल में पढ़ रहा है, मैं से उसका पढ़ा रहे हैं, बेटी 2 साल दी होगी, मैं नहीं पढ़ा सकता अपने। और घर में एक बच्ची उन्होंने अपनी सास को दे दी कि भाई हमसे खर्चा ही नहीं किया जा, हम इसको कहाँ से पाएं। पता नहीं क्या करें यार, इसका क्या करें, इसको इसको क्या मशवरा क्या दें, हमारे पास सवाल ही नहीं है। हम रबाब इख्तियार के सामने ये दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि सर इनके 18-19 तारीख को जनरल स्टोर से, यकीन करो मेरे पास ना 100-100 वाले प्राइस बॉन्ड सन, ये कम से कम रात 11-12 का टाइम सी, मेरे पास पैसे नहीं सन बच्चों का दूध वाला, मैंने अपने 100-100 वाले प्राइस बॉन्ड से 4-5 है गए सन। मैं अल्लाह की कसम दुकान पर वो ले गया हूँ इधर शाह जमाल में, ये शाह जमाल में दुकान, अगर मैं झूठ मारूँ तो उससे भी आप ये वाक्य पूछो कह दा, ये रात को बच्चा आया था मेरे पास 5 प्राइस बॉन्ड लाए थे 100-100 वाला। बच्चे ख्वाहिशें नहीं करते कि सर करते हैं, ख्वाहिशें नहीं पूरियां कर सकते, नहीं पूरियां कर। मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं, पापा केले ले आओ भाई, जेब में कोई शायद होती तो मैं केले ले जाऊँगा, मैं किधर से केले ले जाऊँ, अगर होते तो मैं रात को 12 बजे मैं प्राइस बॉन्ड 100-100 वाला दुकान वाले को जाते देते, घी का पैकेट लिया है वो शर्म वो कर गया, दुकान वाला शर्म कर गया, कहता यार तू पैसे ये प्राइस बॉन्ड लै जा तो इंज कर तू गया और साढ़े को लै जा, उन्हें पर्ची बना तो मैंने दे दी थी भी उन्हें क्या सामान लै जा। मैंने फिर 100 वाला घी का पैकेट जो होता है ना पाव वाला, मैंने यकीन करो वो लै गया हूँ, और बच्ची दे पैंपर और ये छोटियाँ छोटियाँ चीज़ें जो खाने पीने के होते पति, मैंने टोटल ये चीज़ें लै गया हूँ सब। एक मैं नहीं, मेरे जैसे और कितने बेचारे गरीब लोग हैं, गाल हर बंदे की ये कहानी है, हर बंदे की। नाज़रीन वो बता रहा है कि 15 तारीख के बाद हम चटनी के साथ रोटी खाते हैं, 2 साल की छोटी बच्ची है, इस उम्र में बच्चे को दूध मिलना चाहिए, हम उसको चटनी से रोटी ठूंस ठूंस के खिला रहे हैं कि रात 12 बजे पैसे नहीं थे, घर घी चाहिए था, तो कह रहे मैं प्राइस बॉन्ड लेके चला गया, दुकानदार को शर्म आ गई, उसने कहा यार ले जाओ यार फिर कर लेंगे। फिर एक बच्ची अपनी सास को दे है कि भाई नहीं पाल पा, क्या इनको क्या कहें कि इनको दिलासा मिले, इनको कोई हिम्मत मिले। हमें अफसोस हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, स्कूल नहीं पढ़ा सकते, स्कूल नहीं पढ़ा पा रहे, ये सारे मामला इसी तरह के हैं यार। चाचू की हाल है, खैरियत ना हो? ठीक है। की ना तोड़ा? मम्मा शबाब। शबाब साहब किनी तनख्वाह? रात 3000 हो गया, ही ने के 20000 से 3000 राती बताई। 3000 राती बताई? हां जी। अजे तक लभी कि नहीं लभी? 20000 रुपया दी ना इस महीने दी, इस महीने दी 20000 दी। हां जी। तो यार ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 32000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਰਾਤ 3000 ਦਾ ਤੇ ਨੇ 3-6 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 32 ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ? 12 ਘੰਟੇ। 12 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਪਤਾ।